देखो बेटा, लास्ट वीडियो के बाद कंटिन्यू अभी मैं अब कर रही हूँ उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। तो हम लोगों ने शुरू किया था डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो परमाणु के बारे में कुछ पॉइंट्स डॉल्टन के द्वारा दिए गए थे 1808 के अंदर, ठीक। तो उसे ही, उन पॉइंट्स को ही कंबाइंडली करके कह दिया कि डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। ब्रिटिश जो एक टीचर थे डॉल्टन, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था परमाणु के बारे में। कुछ इनके अपने पॉइंट्स थे, अपने कुछ मत थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। पदार्थ क्या चीज होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, एक रासायनिक संगठन हो और रासायनिक गुणधर्म हो, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ रसायनों से मिलकर, पर्टिकुलर रसायनों से मिलकर उसका निर्माण हुआ हो और कुछ रासायनिक उसके गुणधर्म हो। जैसे कि आप वॉशरूम जाते हो, तो वॉशरूम के बाहर इतनी स्मेल क्यों आती है? अमोनिया की वजह से। तो एक तीखी गंध उसका क्या है? गुणधर्म है ना। तो वो कोई भी पदार्थ जो क्या करता है, रासायनिक संगठन रखता है, गुणधर्म रखता है विशेष, उसे हम पदार्थ कहते हैं। वी नोट दैट, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी ये जो छोटे छोटे कण है वो मिलकर इस पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, ठीक है। और इस सूक्ष्म कण को हम परमाणु बोलेंगे और इसको हम और तोड़ नहीं सकते। आगे बात समझ में? ये दो पॉइंट तो डेफिनेशन वाले ही थे। उसके बाद है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। सबसे पहली चीज है कि तत्व क्या चीज होती है। तत्व को अगर हम समझेंगे, जैसे अगर मैं बात करती हूं तत्व जो होता है और यौगिक तत्व, अभी हम लोगों ने पढ़ा परमाणु, तो एक ही तरीके के परमाणु जैसे कि ओ, ये जुड़ेंगे एक ही जैसे हैं, समान है ओ, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा? O2, ठीक है। तो तत्व हमेशा क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व की क्या विशेषता होती है बेटा? कि तत्व हमेशा, जैसे कि हीलियम हो गया, हीलियम जो है वो सेम अणुओं से मिलकर बना होगा, पोटेशियम होगा सेम अणुओं से मिलकर बना, सेम जो परमाणु है उनसे मिलकर बना होगा। तो एक ही तत्व के, यानी ये तत्व बन रहा है O2, ऑक्सीजन बन रही है, लेकिन इसके दोनों परमाणु जो है वो भार, आकार, आकृति और रासायनिक गुणधर्म में कैसे होंगे? समान होंगे। ये एक तत्व है, वापस समझा रही हूँ, देखो ये एक तत्व है ऑक्सीजन, इसके अंदर दोनों ओ और ओ, दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हैं तब जाके क्या बनी है? O2 बनी है। अरे बात समझ में? तो ये दोनों जो जो हमारे परमाणु है वो आकार, आकृति और रासायनिक गुणधर्म में समान होंगे। ये इनका तीसरा पॉइंट था, समझ आया। फिर आता है भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कि सपोज करो हमने ऑक्सीजन लिया, O2 है, तो इसके तो दोनों परमाणु सेम हो गए। इसके अलावा अगर हम हीलियम लेते हैं, ये एक तत्व है, क्या ये ऑक्सीजन और हीलियम एक जैसी है? नहीं, ठीक है। इसके परमाणु अलग होंगे और ऑक्सीजन के क्या होंगे? अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु को अगर, जैसे कि हीलियम के और ऑक्सीजन के परमाणुओं को मैं कंपेयर करूंगी कि दोनों ही आकार, आकृति और गुणधर्म में क्या होगे? अलग अलग होगे। लेकिन बात अगर एक ही तत्व की करती हूं, सिर्फ मैं बात किसकी कर रही हूं? ओनली ऑक्सीजन की। तब तो जो दो परमाणुओं से ये मिलके बना है, ये दोनों परमाणु समान होंगे। लेकिन मैं कंपेरिजन करती हूँ हीलियम का, पोटेशियम का और ऑक्सीजन का, तो ये सारे क्या होगे? इन जिन जिन भी परमाणुओं से इनका निर्माण हुआ है वो सारे गुणधर्म में, जैसे कि ये परमाणु ए है, ये परमाणु बी और ये सी, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं होगी। इसके गुणधर्म, इसके गुणधर्म, इसके गुणधर्म सेम नहीं होंगे। लेकिन जो एक तत्व बन रहा है, जिन परमाणुओं से मिलके बन रहा है, उनके परमाणु में क्या होगी? सिमिलरिटी होगी। समझ में आ गया? फिर उसके बाद है, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं।
जैसे कि सपोज योगी किसको कहते हैं हम, अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, योगी का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O में देख रहे हो आप, ये H, ये H, दो किसके परमाणु हैं, हाइड्रोजन, यानी दो तत्व कौन से जुड़ गए हैं यहां पर, एक तत्व तो हो गया हमारा हाइड्रोजन, आ रही बात समझ में, और दूसरा तत्व हो गया O है, हाइड्रोजन के दो है तो हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़ गए, और ये हो गया दूसरा हमारा तत्व जो कि क्या है, ऑक्सीजन, तब जाकर क्या बना हमारा H2O यानी जल। ठीक है, तो जो दो अलग अलग तत्व होते हैं, पहला तत्व कौन सा है हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन, तो दो तत्व मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, यौगिक, और कौन सा यौगिक बना है, जल। तो एक सरल अनुपात में जुड़कर क्या होते हैं, अलग अलग तत्व जो होते हैं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं, पहला तत्व क्या है बेटा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में कितना आता है, एक ही है तो एक ही ऑक्सीजन का हमने परमाणु लिया। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व है दूसरा, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, दो, तो पहला ये और दूसरा ये, तो दो हमने जोड़ा तब जाके हमारा क्या बना, H2O। तो एक सरल अनुपात में पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात, पूर्ण क्या होती है, जीरो से लगाकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है ना, तो जो पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़कर क्या होता है, सरल अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं, यानी परमाणु जुड़कर तो क्या बना रहे हैं, परमाणु जुड़ रहे हैं तो तत्व बन रहा है, तत्व जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, यौगिक। आ रही बात समझ में। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। परमाणु जो है, जैसे कि सपोज करो यहां पर मैंने बनाया H प्लस O कर दिया और बनाया H2O, ठीक है, H2O। तो अब देखो इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है बेटा, दो, ऑक्सीजन का कितना, एक, लेकिन इधर भी एक हो रहा है, हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, एक। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर रहे कि इसको भी खत्म कर दो तो जल का अणु रहेगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को और शो कर देते हैं, यानी एक जो परमाणु है वो और जोड़ देंगे हाइड्रोजन का, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर हम न तो परमाणु को क्रिएट कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बस उसको पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, यानी हम उसको बैलेंस करने का काम करते हैं कि अभिकारक, ये जो भाग ले रहे हैं इधर वाले, ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक, ये तत्व अभिकारक है, और ये क्या है, इधर जो बनेगा रासायनिक अभिक्रिया के तीर के इधर, ये उत्पाद कहलाता है, नाइन्थ में पढ़ा होगा, ये बेसिक है ना। तो अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद के अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे। आ रही बात समझ में। तो इसी से ये लास्ट पॉइंट निकल के आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही हम उनको बना सकते हैं, बस उसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए डॉल्टन के सिद्धांत को कहा जाता है कि यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन, यानी कहा ना कि यहाँ पर जो विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, संयोजन मतलब जुड़ना, तो जो ये इनका सिद्धांत था वो किसके आधार पे आधारित था, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के आधार पर जो था, पॉइंट आउट करके, इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो ये हो गए क्या, जो जॉन डॉल्टन है उनका जो परमाणु सिद्धांत था वो। इसके बाद हम लोग देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो गया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई थी, प्रोटॉन्स की खोज हो गई थी, इनके टाइम तक तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पता नहीं थे, लेकिन जब थॉमसन ने मॉडल दिया था तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को खोज लिया गया था। तो उन्होंने बताया कि परमाणु में कहाँ प्रोटॉन होते हैं और कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो हम लोग देखेंगे थॉमसन का मॉडल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल दिया परमाणु के बारे में वो थॉमसन के द्वारा दिया गया, जे.जे. थॉमसन, सर जे.जे. थॉमसन जिनको पूरा नाम से हम जानते हैं, तो जे.जे. थॉमसन के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया सिंस 1898 के अंदर है ना। तो इसको, इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या डिफरेंस था इनके और इनसे पहले वाले डाल्टन के मॉडल में, डाल्टन के टाइम में क्या था,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी लेकिन इनकी टाइम में हो गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बेटा? थॉमसन ने। और प्रोटॉन की किसने की? रदरफोर्ड के द्वारा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, पर से प्रोटॉन, पर से पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी धनात्मक प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या आता है? न, न से नेगेटिव यानी माइनस चार्ज होता है। और प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी प्लस का चार्ज होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी कोई परमाणु होता है, परमाणु की जो त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है बेटा? नाभिक से इसकी परिधि के बीच की दूरी, है ना, ये यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो एक परमाणु की जो त्रिज्या होती है यानी परमाणु जो होता है वो 10^-10 मीटर, कितना? 10^-10 मीटर त्रिज्या वाला एक गोला होता है। यानी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10^-10 मीटर थॉमसन के अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने कहा कि ये जो -10^-10 मीटर वाला जो गोला है ये धनात्मक होता है। मतलब इसको आप मानना कि ये जो पूरा गोला आप देख रहे हो इस पे पूरे पे कैसा चार्ज है? नीचे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये बेस जो है ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, इसको उन्होंने बोला कि पुडिंग है, ये वाला हिस्सा क्या होता है? पुडिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या धसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, जिन्हें क्या बोला? प्लम। ठीक है, क्या बोला? प्लम। तो नीचे वाला जो बेस है वो तो क्या है? धनात्मक। हम लोग क्या खाते हैं? तरबूज खाते हैं, तरबूज का जो लाल हिस्सा आप देख रहे हो वो कैसा होगा? प्लस, पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक होगा यानी प्रोटॉन वाला हिस्सा होगा। और तरबूज में काले काले बीज होते हैं ना धसे हुए, इस तरीके से, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? यानी माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो मिठाई होती है, तो मिठाई होती है प्लम पुडिंग, मिठाई जो है ना, प्लम जो होता है नीचे वाला केक की तरह होता है, केक आप लोग लेके आते हो तो केक का बेस होता है ना, इस तरीके से ब्रेड वगैरह से बना हुआ। तो ये जो हिस्सा होता है ये पुडिंग कहलाता है, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इस जैसे चेरी धसी हुई होती है इस पे प्लम पुडिंग पे या केक पे जो चेरी लगी हुई होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे क्या होते हैं? धसे हुए रहते हैं। अरे बात समझ में? तो ये पूरा जो बेस है वो तो कैसा होगा? धनात्मक। और इसमें क्या धसे रहते हैं? माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर एक सेंटेंस में बोलूं कि थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु जो है वो 10^-10 मीटर वाला एक धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक चार्ज वाले या माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे हुए रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहलाएगा पुडिंग, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं प्लम। ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने कहा, और हमारे इंडिया में हम इसको तरबूज से कंपेयर कर सकते हैं कि तरबूज का लाल हिस्सा जो होता है वो पॉजिटिव धनात्मक हिस्सा होगा, और जो बीज धसे रहते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? माइनस चार्ज। ये उनका पहला पॉइंट हो गया। फिर इन्होंने बोला, सेकेंड पॉइंट है, ये आप जरूर लिखना, बच्चे बस इतना ही लिखना लिख के छोड़ देते हैं, बट आपको ये सेकंड पॉइंट भी लिखना है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ना माइनस चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन, उदासीन यानी न तो प्लस चार्ज होता है इस पे और न माइनस चार्ज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परमाणु के अंदर इन्होंने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। तो प्रोटॉन जो होते हैं उनकी भी संख्या कितनी होगी? दो। ये इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस, प्रोटॉन पे। तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए तो कैसा हो गया? उदासीन। इसीलिए इन्होंने कहा कि परमाणु हमेशा विद्युत उदासीन होता है, ये पॉइंट भी आपको लिखना है। आगे बात समझ में? तो ये जो फिर फर्दर रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया, तो रदरफोर्ड ने कुछ चीजें अलग से बताई, उनको इस पे उन चीजों पे ये मॉडल फिट नहीं हुआ, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे।